हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरी लर्निंग। और मैं उनकाश आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जिसको जानकर के आप बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। आज की वीडियो हमारी सीएससी से रिलेटेड, आज हम सीएससी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, सीएससी ने आपके लिए बहुत ही अच्छी सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है और आज हम उसी सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। सीएससी के सीईओ दिनेश त्यागी जी ने बताया कि प्रत्येक वीएडी को 5 डिजिटल कैश के रूप में 5 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले ये 5 डिजिटल कैश कौन होंगे और किन लोगों का हम 5 डिजिटल कैश के रूप में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 डिजिटल कैश के रूप में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे वो अपने ही गांव के, अपनी पंचायत के लोग होने चाहिए और वो यहाँ के लोकल होने चाहिए और अपनी फैमिली से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर का अगर डिजिटल कैश के रूप में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपकी सीएससी आईडी डीएक्टिवेट हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम उन 5 लोगों के बारे में जो डिजिटल कैश के रूप में अपने सीएससी सेंटर पे नियुक्त किए जाने वाले हैं और उनका अपने डिजिटल सेंटर पे क्या वर्क होगा वो चीज़ हम आपको समझाने वाले हैं। तो जिन लोगों को हम अपने सीएससी डिजिटल केंद्र पे हम उनको नियुक्त करेंगे, उन लोगों को द्वारा क्या काम किया जाएगा, उनको हम कैसे काम करवाएंगे और उनको हम कौन से काम दिए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। जिन लोगों को हम डिजिटल कैश के रूप में हम नियुक्त करेंगे उन लोगों का काम क्या होगा कि अपने जो गांव का जो एरिया है, अपनी पंचायत जो है, उस गांव में उनके द्वारा सर्वे किया जाएगा और अपने गांव-गांव में अपने सीएससी द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक सर्विसेज के बारे में अपने प्रत्येक गाँव में उनको सभी जगह पे, सभी एरिया में, हर घर घर तक उन सर्विसेज को पहुँचाना होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि वीएडी को क्या फायदा होने वाला है। तो वीएडी को प्रत्येक डिजिटल कैश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का 1500 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। अब बात यह है कि सीएससी वीएडी उनको किस हिसाब से रखना चाहता है वो अपने हिसाब से रख सकता है, लेकिन सीएससी के द्वारा प्रत्येक वीएडी को प्रत्येक डिजिटल कैश के रूप में 1500 रुपये दिए जाने वाले हैं। प्रत्येक सीएससी को मैक्सिमम 5 कैश के रूप में लोगों को नियुक्त करना है, उनको नौकरी देना है जिससे वो अपने गांव की सभी प्रकार की एक्टिविटीज को उन तक पहुंचा सके और साथ में सीएससी की सभी सर्विसेज को प्रत्येक लोगों तक आपको देना होगा। साथ में ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके एरिया जो है वो अगर आप थोड़ा ज़्यादा है या एरिया आपका बड़ा है या फिर आप सिटी एरिया में रहते हो तो वहाँ के लिए अगर आपको लगे कि आपको डिजिटल कैश की संख्या ज़्यादा करनी है तो आप 2 डिजिटल कैश और बढ़ा सकते हो, यानी मैक्सिमम आपको 7 डिजिटल कैश के रूप में लोगों को नौकरी दे सकते हो। और आपको प्रत्येक, मैंने बता दिया कि प्रत्येक जो आपको डिजिटल कैश होगा उसका 1500 रुपये प्रति माह आपको दिया जाने वाला है, ठीक है। और बात करें हम दूसरी चीज़ें कि सीएससी में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज आने वाली है जिनके बारे में हम आपको आगे आने वाले कुछ वीडियोज में आपको बताने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम सीएससी की जो भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास में लेके आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सीएससी के अंदर ऐसे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाली है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो। तो चलो हम इसको डिजिटल कैश के लाइव प्रोसेस कैसे होती है, डिजिटल कैश का हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो उनकी लाइव प्रोसेस हम आपको दिखाने वाले हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको लाइव प्रोसेस हम दिखाने वाले हैं सीएससी डिजिटल कैश की कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो चलो हम आपको दिखते हैं। सबसे पहले आपको अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना होगा, वहाँ पे ओपन करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सीएससी डिजिटल पोर्टल हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम अपना सीएससी डिजिटल पोर्टल लॉगिन करने वाले हैं। आप अपने लॉगिन आईडी, जो भी आपका सीएससी आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पे आप डाल करके लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से अपने सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल रखा है तो आप यहाँ से अपनी पासवर्ड और लॉगिन डाल लीजिएगा। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आप अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन हो जाओगे। डिजिटल सेवा पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे जिनके बारे में आप अच्छे से ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे लास्ट वाले जो आइकन है उसको छोड़ करके, यानी लास्ट वाले आइकन को छोड़ देना, उसके ऊपर जस्ट आइकन आता है अपना प्रोफाइल का, उसमें आपके अकाउंट डिटेल दे रखा होगा, प्रोफाइल दे रखा होगा, ऑपरेटर्स दे रखा होगा, उसमें जस्ट नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आता है कैड्स। तो आपको यहीं से डिजिटल कैड्स के रजिस्ट्रेशन करने होंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे आप डिजिटल कैड्स के रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डिजिटल कैड्स के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखे हैं तो मैं इनकी डिटेल्स आपको शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ सबसे पहले आपको डिजिटल कैड्स का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ जो आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको ऐड कैड्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ऐड कैड्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे उस ऐड न्यू कैड्स के
ऑल डिटेल्स आपको यहाँ भरनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि एक डिजिटल कैश रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उसके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। उसका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद में जो आधार कार्ड में नाम है वो यहाँ पे डिजिटल कैश का फुल नेम डालेंगे। उसके बाद में उसकी DOB, जो भी उसकी DOB, यहाँ पे हम उसका DOB फिल करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ से उसका जेंडर चूज करेंगे, मेल फीमेल जो भी हो। उसके बाद में यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डालेंगे। हम ईमेल आईडी उसकी एक वैलिड ईमेल आईडी हमको डालनी है, जिसपे हमको OTP वेरिफिकेशन भी करना होगा। जैसे आप यहाँ पे ईमेल आईडी क्लिक करके सेंड OTP करोगे तो वहाँ पे आपके पास में एक OTP आ जाएगा ईमेल पे, जिसको आपको वेरीफाई करवाना है। उसके बाद में यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास में अवेलेबल है, क्योंकि उस पर भी एक OTP आपको सेंड करना होगा, जो आपको वैलिड करवाना होगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, अजमेर, झालावाड़, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट यूज करने के लिए आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आ रहा है आपके ऑप्शन या डिवाइस टाइप, आपके पास में ये जो आपने डिजिटल कैश का रजिस्ट्रेशन किया है उसके पास में किस टाइप का डिवाइस है, स्मार्टफोन है या फिर बेसिक फोन यानी नॉर्मल फोन है। तो आप स्मार्टफोन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप स्मार्टफोन पे क्लिक करते हो उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आपको नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। ये सबमिट का ऑप्शन, यहाँ पे डिक्लेरेशन को आपको यस करना है। डिक्लेरेशन को यस करने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से सारी प्रोसेस आपको यूज करनी होगी। उसके बाद में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में आपका डिजिटल कैश के रूप में यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन दिखा देगा। इसके बाद में अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करके उसके डिटेल्स देख सकते हो, जो भी आपकी डिटेल्स हैं। यहाँ पे मैं डिटेल्स के रूप में आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं आपको यहाँ पे हाइड करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ डिटेल्स देख सकते हो। आप इसको चेंज वगैरह करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम डिजिटल CSC कैट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी CSC डिजिटल पोर्टल पे। और मैंने कहा था डिजिटल कैट्स का क्या कार्य होगा और इसका हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी